पर कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों कुछ कुछ ऐसे भी चीज है जो अगर आप करते हैं तो YouTube ना तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देगा, नहीं वार्निंग देगा, डायरेक्ट आपके चैनल को ही उड़ा देगा, यानी आपके चैनल को ही टर्मिनेट कर देगा। सो हे गाइज, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं अपने YouTube चैनल पर 1 वीक से कोई वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा था, और 1 वीक से मैं YouTube पर कुछ भी नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में कर रहा था और नहीं लाइव स्ट्रीमिंग में आ रहा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था और मैं क्यों नहीं 1 वीक से अपने वीडियो अपलोड कर रहा था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक किया गया था, इसलिए मैं 1 वीक से ये सभी कुछ नहीं अपलोड कर पा रहा था और नहीं आप लोगों से कुछ बातें कर पा रहा था। तो दोस्तों ये क्यों आया और किस कारण से मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया? दोस्तों ऐसे तो मैं यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया, ऐसा क्यों और ये क्या कारण था कि मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया, ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में जरूर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या है, मतलब किस कारण से मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया और मैं जानते हुए मैं इस चीज का उल्लंघन क्यों किया हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्यों मेरे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया। दोस्तों आप लोगों को पता होगा ही कि इसी फरवरी के महीने में यूट्यूब ने एक नया अपडेट लाया, या फिर उसको रूल भी कह सकते हैं। दोस्तों उस रूल या अपडेट में यूट्यूब ने बताया था कि अगर कोई भी चैनल अपने वीडियो में गाली गलौज, सेक्सुअल कंटेंट या फिर किसी भी चीज का उल्लंघन कर रहा है, मतलब किसी के किसी भी चीज को वो मतलब अभद्र तरीके से वो पेश कर रहा है, या फिर किसी से झगड़ा कर रहा है, किसी के बारे में वो गलत बता रहा है, या किसी के प्राइवेसी के बारे में वो बता रहा है, तो उसके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है या फिर उसका चैनल भी टर्मिनेट किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही मैं कुछ बातें उसमें खुल के बताया गया है, लेकिन दोस्तों कुछ बातें उसमें पूरा नहीं बताया गया, कुछ बातों को उसमें सीक्रेट रखा गया और कुछ बातों को आपको पढ़कर ही पता करना पड़ेगा कि इस चीज को मुझे नहीं करना है, नहीं तो मेरे भी चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है। तो दोस्तों उसी में से मेरा भी एक मतलब वीडियो था, जैसे दोस्तों मैं पहले बनाया करता था, शुरू में जब चैनल बनाया था तो उस समय मैं हैकिंग से रिलेटेड मोबाइल हैक कैसे करे, व्हाट्सएप हैक करके कैसे करे, ऐसा वीडियो मैं पहले बनाया करता था, जिससे कि मैं पहले वो सब वीडियो को तो मैं उस समय मुझे यूट्यूब बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, फिर भी मैं वो सब बनाया करता था। यूट्यूब ने इस चीज को बताया था कि अगर आप किसी के बारे में हैकिंग बताते हैं तो आपके चैनल पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उस वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों मैं उस वीडियो पर बनाता था, मतलब उस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाता था कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, मेरा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, तो मैं पहले बनाता था। लेकिन दोस्तों जैसा जैसा मुझे यूट्यूब के बारे में पता चलने लगा तो मैं सभी वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन दोस्तों उसमें से एक ऐसा वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप अपने गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप चैट पढ़े। तो दोस्तों ये कुछ हैकिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी YouTube ने इस पे ही मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दिया है। YouTube ने बताया कि अगर आप किसी का भी प्राइवेसी को बताते हैं कि आप उसका प्राइवेसी कैसा देख सकते हैं, व्हाट्सएप चैट अगर किसी का आप देख रहे हो उसका भी एक प्राइवेसी है, तो दोस्तों अगर आप किसी का भी चीज ऐसे बताते हैं तो आपके भी चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है, या फिर आप किसी का ये बता सकते हैं किसी दूसरे का कॉल हिस्ट्री कैसा निकाले, किसी का कॉल रिकॉर्डिंग कैसा देखे, तो ऐसे अगर आप अपने चैनल पर बताते हैं तो आपको भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है। तो दोस्तों इसी कारण मेरे चैनल पर मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया, जिससे कि मैं व्हाट्सएप चैट को पढ़ने का बता रहा था। तो दोस्तों ऐसा तो मैं बहुत सारे वीडियो को डिलीट कर दिया था, सिर्फ एक वीडियो ही ये बचा हुआ था और यही एक वीडियो के कारण मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया। दोस्तों अब मेरे चैनल पर कुछ भी नहीं है और दोस्तों आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या है और 2021 में इसका रूल क्या है, पूरा मैं प्रॉपर आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे कि आपके भी चैनल पर कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों कुछ कुछ ऐसे भी चीज है जो अगर आप करते हैं तो यूट्यूब ना तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देगा, नहीं वार्निंग देगा, डायरेक्ट आपके चैनल को ही उड़ा देगा, यानी आपके चैनल को ही टर्मिनेट कर देगा। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ रूल है YouTube का। तो दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि YouTube का क्या कम्युनिटी गाइडलाइन का रूल है और इस किस किस चीज को आप पर मतलब किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए, वो सभी कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों आप लोगों को मेरा आवाज से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मेरा जो अभी तबीयत है कुछ ठीक नहीं और मेरा गला भी पूरा खराश टाइप का, मतलब सर्दी खांसी बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल कल ही मेरा ये हुआ था, मेरा सब कुछ इनेबल कल ही हो गया था, लेकिन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल
को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।